गाइस, अगर आप एक फोटोग्राफर है या यूट्यूबर है, या आप अगर रील्स यानी कि इंस्टाग्राम पर जो रील्स चलता है उसमें अगर आप वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए रिंग लाइट यूज़ करते हैं या एलईडी पैनल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक ट्राइपॉड लगता है जो कि उसका लाइट स्टैंड आता है, जो कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, अंडर 500 रुपीज़ का है, तो मैंने ये गाइस अमेजोन से परचेस किया है। फोटोन की तरफ से आने वाला PH850RLS जो कि यानी कि अमेजोन पर अवेलेबल है। इसकी बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये किस तरीके का ट्राइपॉड है, क्या है, और ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस, कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में आ जाता है फोटोन की तरफ से आने वाला ये लाइट स्टैंड, जो कि यानी बजट रेंज में है और ये 399 रुपीज़ में है, जिसे कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था। इसके इधर में देख सकते हैं फोटोन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, मॉडल नंबर देखने के लिए मिल जाता है PH850RLS, और साथ में इधर में भी फोटोन की ब्रांडिंग, इधर में भी फोटोन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, इधर में भी फोटोन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। गाइस, इस साइड में भी फोटोन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अगर इस साइड की हम बात करें तो गाइस, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यूनिट यानी कि ये जो इसके अंदर में आया हुआ है प्रोडक्ट, उसके बारे में यानी कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ में क्वांटिटी की बात करें तो एक क्वांटिटी आती है, लाइट स्टैंड आता है, और लाइट स्टैंड के साथ में मेड इन देख सकते हैं, मेड इन चाइना है लिखा हुआ। साथ में ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है जून 2020 में, और ये इम्पोर्ट हुआ है जुलाई 2020 में, यानी कि चाइना से माल हमारे इंडिया में आ रहा है गाइस। और देख सकते हैं ये मैन्युफैक्चरर है वहाँ के, जो कि इस पर एड्रेस दिया हुआ है। बाकी अगर इसके प्राइस की बात करें, MRP की जो इसके ऊपर हाईलाइट की गई है वो की है 990 रुपये, जो कि मैंने इसे 399 रुपीज़ में परचेस किया है। चलिए इसको अब हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ से। वो सॉरी, इससे पहले इधर मैं भी दिखा दूंगा इसकी, इस साइड में भी कुछ यानी कि स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए हुए हैं। इसके हाइट को लेकर के मैक्सिमम जो ट्राइपॉड का हाइट जाएगा वो 1670 mm जाएगा, मतलब कि यानी 6 से 7 फीट तक के जाएगा। और साथ में मिनिमम जो रेशियो रहेगा 490, यानी इतना इतना रख करके इतने इतने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में फोल्डेबल होने पर ये 490 mm तक के जाएगा, वही वाला है बात। और साथ में अगर इसके ट्यूब डायमेंशन की बात करें तो ये 30 mm दिया हुआ, पता नहीं किस लिए दिया है ऐसा। बाकी नेट वेट की बात करें तो ये 1 किलो तक के का है, 950 ग्राम का। और इसके ऊपर लोड अगर कैरी कैपेसिटी रहेगी तो वो रहेगी 3 kg तक के का, ये लोड कैपेसिटी यानी कि झेल सकता है, स्पीड में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा कोई मशक्कत करना नहीं। बाकी अंदर में एक और बैग में आता है गाइस, ये देख सकते हैं बैग आया हुआ है। बैग की क्वालिटी लिटरली गाइस बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी वाइज यानी इतने रुपये में आपको बैग भी मिल रहा है, कहने वाली बात है। क्योंकि मैंने एक डिजिटेक का लिया था, उसके साथ में बैग वैग कुछ भी नहीं आता, बैग क्वालिटी बहुत अच्छी, जिससे कि आप कैरी करके कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। और साथ में अंदर में ये पॉली रैप्टर में भी होकर के आता है, पॉली को भी निकाल देते हैं हम बाहर साइड में कर देते हैं। तो इसके ऊपर में इधर में साइड में ब्रांडिंग दी हुई है, मैं अभी दिखाता हूँ उसको ओपन करके। तो इसको कुछ इस तरीके से रख देना है हमें गाइस ऐसे, और इसको ओपन करने के लिए यहाँ से इसको लूज़ करना है ये वाले नोब को, ये नीचे वाले, ये यहाँ पर एक और नोब है, इस वाले नोब को लूज़ कर देना है। देन उसके बाद में हमें ऐसे इसे ओपन करना है, कुछ इस तरीके से ये ओपन होता जाएगा गाइस। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैमरा माउंट कर सकते हैं, अपनी लाइट को माउंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने फ़ोन को भी इसमें माउंट कर सकते हैं एक होल्डर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद में इसकी हाइट को भी इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं गाइस। तो चलिए इसको भी हम डाउन करते हैं और खुल जा सेम। क्वालिटी की बात करें तो 399 के हिसाब से ठीक ठाक क्वालिटी है, कोई उतनी ज़्यादा हेवी क्वालिटी नहीं है। कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है गाइस, यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं, एवरेज क्वालिटी है। बाकी 399 के हिसाब से तो बेस्ट क्वालिटी है वैसे। और यहाँ पे फोटोन की अगेन से ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, प्रिंटेड है गाइस जो कि, और इसको हम चाहे तो और ज़्यादा खोल सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको मैंने ओपन कर लूज़ कर दिया था, इसको टाइट कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा गाइस। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, जो कि आपको दिखाने में थोड़ा सीनियत रहेगी। इसको और नीचे लाना चाहे तो हम नीचे भी ला सकते हैं, ये 6 से 7 फीट तक के चले जाता है। क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है, साथ में इसमें हम रिंग लाइट को भी यहाँ पे मर्ज यानी लगा सकते हैं, और इसमें अपना कहते हैं जो LED पैनल रहता है उसको लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना DSLR को लगा सकते हैं, और साथ में अपने मोबाइल होल्डर को भी इस पर लगा सकते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके की क्वालिटी में आ जाता है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं या इसके टाइप से कुछ और स्टैंड लेना चाहते हैं तो मैं उसकी बाय लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।